हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं मम्मी को स्कूल से घर लाने, क्योंकि वैसे मम्मी स्कूल नहीं जाती हैं इस टाइम पे, लेकिन आज एक ऐसा काम था जो मम्मी घर से नहीं कर सकती हैं, तो वो स्कूल गई हैं और हम लोग उन्हें लेने जा रहे हैं। और पहले मैंने सोचा था कि मैं मम्मी को सरप्राइज दूंगी और पीछे छुप जाऊंगी और जब वो आएंगे तो मैं डराऊंगी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है इस समय कि मेरा अब कुछ मन नहीं कर रहा है सब करने का। देखते हैं, अगर मेरा मन किया तो करूंगी और गर्मी लगी तो नहीं कर पाऊंगी। और गर्मी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लग गया है एक तगड़ा वाला जाम भी। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग पहुंच जाएंगे? अरे बोलो तो कुछ, आते तो नहीं, कम से कम आवाज ही दिखा दो अपनी। आवाज दिखा दे? यस, आवाज सुनाई जाती है, दिखाई नहीं। कोई भीड़ तो देखो यहाँ की, लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना फैला है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मम्मी के स्कूल, बस मम्मी आ जाए बाहर। तो मम्मी आ गई हैं, तो मम्मी और हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं घर, मिलते हैं सीधे घर पे। छोटू 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 छोटू, अली अली अली, कद्दू 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 कद्दू, गन्यू 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 गन्यू। छिकू को देखो भाई, छिकू तो कुछ कह ही नहीं रहा, हाय तो कह दो, थक गए हो? तो ये वाली जो मैट होती नहीं है, जो घर में लोग बिछाते हैं या कार में लगाते हैं, तो ये आपको अगर मिल जा रही है तो अगर इसकी ग्रास यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो फिर मेहनत थोड़ी तो पड़ जाएगी। हाँ, तो आज हम लोग जो है वो चूहे का जो केज है उसको हम लोग करेंगे रिनोवेट और उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिएचर गार्डन टाइप की में, ठीक है? तो जो लोग मेरे ब्लॉग पहले से देखते हैं और जो नहीं देखते हैं जाके देख लो, और जो देखते हैं वो जानते होंगे कि मेरे कमरे का पंखा निकाल लिया गया है मेरे डैडी द्वारा ताकि अपने कमरे में लगाया जा सके। सेल्फिश मोटिव्स छुपे हैं इसके पीछे, लेकिन क्योंकि अब मैं पेडेस्टल फ़ैन तो ऑन कर नहीं सकती क्योंकि इससे इतनी आवाज़ आएगी कि कुछ सुनाई नहीं देगा ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गर्मी में ही। तो इस केज को मैं पेंट तो कर चुकी थी जो मैंने दिखाया था, और वाइट पेंट इसलिए क्योंकि वाइट में ना सब कुछ उभर के आया तो वाइट ज़्यादा बेटर लगेगा। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ट्री ऐड किया है अंदर, ये ट्री क्योंकि मेरे पास जो है इस समय कोरोना के टाइम पे तो जा नहीं सकते क्राफ्ट की दुकान में, तो ज़्यादा कलरफुल पेपर्स तो थे नहीं, तो मैंने क्या किया है नॉर्मल पेपर पे आइवरी शीट थी क्योंकि वो थोड़ी टाइट रहती तो सही रहता है, उस पर मैंने पेस्टल कलर से ही स्केच करके वो पेड़ बना दिया है पूरा, और उसमें क्रीजिंग करी है मैंने। तो जिन्हें क्रीजिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता, मैं बता देती हूँ, क्रीजिंग टेक्निक बहुत ईजी होती है और बहुत काम की होती है। जैसे कि ये एक पेपर है और ये होता है कटर, ठीक है? तो कटर के इस साइड से कटता है और इस साइड से हम लोग इसे उल्टा करके क्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको लिया है हमने और ये पेपर है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके उल्टे साइड से करेंगे ना, तो है तो ये सिंपल पेपर, लेकिन अब यहाँ से वो हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो अब आपको इसमें है तो 2D चीज़, लेकिन अब आपको थोड़ा 3D का इफेक्ट लग रहा होगा ना, और इससे जो है पेपर को थोड़ा सा वो भी मिलता है, पेपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 2D शेप है, बस क्रीज करके थोड़ा 3D का इफेक्ट देते हैं। तो मैंने अपने पेड़ में ना यही चीज़ इस्तेमाल करी है पेड़ बनाने के लिए, बस किस स्टेम में करी है, लीव्स में करी है, तो उससे थोड़ा ढंग का दिख रहा है बस, और क्या करना है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाले पत्थर, आपको ये पत्थर आसानी से मिल जाएंगे किसी भी मोरंग गिट्टी में, मोरंग नहीं आती है वो, उसमें मिल जाएंगे। पर मैं ना ज़्यादा स्टोन्स ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये हैंग करना है, आप रख सकते हो पर मेरे को हैंग करना है ना, तो ज़्यादा हैवी होगा तो फिर लटकाने में दिक्कत आएगी ना, इसलिए। ओह गिर गया। तो इसको लगाती हूँ, इसमें सेट करना पड़ेगा।
तो मैं बता देती हूँ कि मैंने जो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ऐड करी हैं इसमें, मैंने पूरा बना दिया है। अब बस इसमें लाइटनिंग लगानी है, थोड़ा बस इसे हैंग करने की ज़रूरत है। तो कैसे बनाया है दिखा देती हूँ। यहाँ पे बस मैंने एक फ़्लावर लगाया है और उसमें छोटा सा फ्लावर लगा दिया है, और यहाँ पे जो है मैंने, हाँ तो जो मैंने जो ट्री दिया है वो मैंने थोड़ा मेपल लीव से इंस्पायर होकर बनाया, क्योंकि उनके कलर ही ऐसे होते हैं कि उसमें जब लाइट पड़ेगी तो ऐसे ब्राइट लगेगा। और ये जो है ये बस मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, मेरे को और कुछ दिमाग में जल्दी आ नहीं रहा था। इसमें से मैंने क्ले वाले फ्लावर लगाए हैं और नीचे मैंने क्ले का बेस दिया है, यहाँ मैंने वायर लगाया है और ये जाएगा सीधे अंदर कुछ जाओ यस। और इधर से मैंने यहाँ पे रॉक्स लगाई हैं। ये जो है जो मैं दिखा नहीं पा रही अच्छे से, कैसे दिखाऊँ, मैं गलती कर दी, मेरे को पहले दिखा देना चाहिए था। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देख पा रहे हैं पास से, तो यहाँ पे जो है लीव्स का लगाया है मैंने, ये बता दूँ कैसे बनाया है, बताया थी इनको। उसमें जो मैंने फ्लावर ऐड किए हैं, जो मैंने बताया था मैंने फ्लावर कैसे बनाए थे, और जो लीफ मैंने ऐड करी है वो ऐसे बनती है। तो क्या करना है हमें, बस एक स्ट्रिप लेनी पतली सी, इसको हमें फोल्ड कर देना है जितना हो सके उतना। और ये करने के बाद क्या करना है इसमें, इधर से ऐसे, और लीफ का फिर शेप ऊपर देना है, और ऐसे। तो ऐसे क्या होगा ना, जब इसे ओपन करेंगे तो एक खूब सारे फ्लावर्स, जैसे फ्लावर कह रही हूँ, पत्ती टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो अब फिर आप लोग तो पेपर का रोल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दिखाने के लिए इसे पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अटैच किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर इसको ऐसे 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 करके ले गए, ओ खुल गया, ले गए। तो समझ तो गए होगे ना कि कैसे पत्तियाँ बनाई हैं। हाँ, तो ऐसे करके पत्तियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसे दिखाने के लिए बनाया था। अंदर मैंने दिया एक सोफ़ा और मैंने दिए ये छोटी सी टेबल, ऐसे कि स्टडी कर सकते हैं, ऐसे लॉन में बैठ के लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो बताती हूँ मैंने सोफ़ा कैसे बनाया। तो ये मेरा एक और सोफ़ा जो मैंने बनाया था, इसमें कुछ नहीं, मैं ऐसे ओपन करके बताती हूँ, ठीक है। ऐसे बस इसका जो वो बना है ये एकदम प्लेन वाला है, ठीक है। इसे बस मैंने ऐसे फोल्ड करके इसमें अंदर इन कर दिया था, सेम हैंड्स के साथ हुआ है इसके। और ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ टू ब्लॉक्स हैं जो कि ओरिगामी से बने हैं। इन्हें बस ऐसे करके अंदर कर दीजिए, इधर ये लगा दो, इधर ये। तो ये पेपर है, ठीक है, इसको पहले बीच से एकदम हाफ कर दो, तो बनेंगे हमारे टू ट्रायंगल्स बन गए। उसके बाद ये एज लेकर इसको मिडिल पॉइंट तक टच कराना है, ठीक है, स्मॉल ट्रायंगल बनेगा। सेम यहाँ से करना है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ को इतना फोल्ड करो कि ये भी मिडिल तक पहुँच जाए, ठीक है। अब इसको भी इतना फोल्ड करो कि ये भी मिडिल तक पहुँच जाए, ऐसे कर दो, ओके। अब ऊपर से देखो, ऊपर से थोड़ा ट्रिकी है, इसे इतना फोल्ड करो कि इन ये वाले एजेस तक क्रॉस हो जाए, ठीक है, इतना। उसके बाद एक और बार करके, ताकि हमें एक लाइन मिल जाए जहाँ से कि वो क्रीज टाइप का हो सके, एक इतना, ठीक है। फोल्ड दो इसे, इतना यहाँ से करो, इतना फिर से यहाँ से, और यहाँ से भी इतना। तो हमें ऐसा मिल गया। उसके बाद हम ये पूरा ओपन कर देंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे ताकि ये बाउंड्री टाइप की बन गई। अब इसको हम लोग इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये आएगा और ये ऐसे करके इसमें फिट हो जाएगा। देखना, थोड़ा करोगे ना अपने आप तो आ जाएगा, ऐसे फिट हो गया अंदर, वैसे ही ये इसके थोड़ा ऐसे और ऐसे, और ये भी फिट हो गया, ठीक है। पहले तो ब्लॉक मेरे भी ख़राब बने थे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसे ब्लॉक मिल गया आपको, उसके बाद ये सेम ब्लॉक जोड़ देना, बाकी तो मैंने बताया था, इसे जोड़ दोगे अंदर के अंदर, फिर उसे डाल देना। और इस चीज़ से, क्योंकि ये लटकने वाला है ना, तो इसको अटैच करने के लिए मैंने दिए यहाँ पर एक ऐसे रोप टाइप की चढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप पास देखेंगे तो मैंने इसमें एक टाइप की स्टिच करी है, फोकस कर दे तो ठीक है, मैंने स्टिच टाइप की करी है ना, बता दूँ कैसे करी है। तो जो रोप है इसको मैंने एक ऐसी चीज़ से टाई कर दीजिए जो कि हिले ना खींचने के बाद भी
वैसे मैं अपने पैर से बांधती हूँ पर वो करूँगी तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए ऐसे कर रही हूँ मैं। तो ऐसे करके, तो इसको इस हैंड से ऐसे करके एक लूप बनाया, सिंपल लूप है, कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ लूप बनाना है। फिर एक टर्न ले लो, ओके। उसके बाद ये जो धागा एक्स्ट्रा है उसको इस टर्न के अंदर से खींच लो, और खींच के ऐसे बन गया, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे बांध दिया है। फिर हम फिर इसी के बाद क्या करेंगे, इसी को थोड़ा कोई बात नहीं, तो थोड़ा इसे खींचेंगे, ऐसे टर्न करेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे, और फिर से हम इसे ऐसे टाई कर देंगे। ये स्टेबल बेस नहीं है उतना, इसलिए हिल रहा है, बट आप लोग लीजिएगा, टर्न नॉट और खींच दो, ठीक है? टर्न नॉट और खींच दो, टर्न नॉट और खींच दो। तो ऐसे करते करते देखेंगे यहाँ पे एक डिज़ाइन आ रहा है जो कि अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, बट ऐसे ही करना है, ठीक है? और ये तो फिर नॉर्मल रोप कट पेस्ट करके लगा दी गई है। तो तीसरी चीज़ जो मैंने इसमें ऐड करी है वो है ये फाउंटेन, जब बाहर ही तो बता देती है। यहाँ पे जो है कागज़ का बेस है, उसे मैंने कागज़ को बताती हूँ कैसे किया है। मान लो कि ये लिया है, ठीक है? अब इसमें अगर हम लोग ऐसे करेंगे इसको, तो ये बन गया ना ऐसे। अब मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको क्रीजिंग टेक्निक बताई थी, मैंने यहाँ पे क्रीजेस दिए हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये पूरा ऐसे फोल्ड हो जा रहा है, ऐसे टाइप का। तो लग रहा है कि थोड़ा सा फिगर दे रहा है, थोड़ा सा फाउंटेन टाइप का ना, तो ऐसे ये है। और इसी को मैंने जो है अंदर जो है सर्कुलर में ऐसे करके फोल्ड कर दिया है, तो ऐसा फिगर आएगा, अच्छे से करोगे तो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लगाई एक क्ले, और ये तो जैसे जैसे मैंने फ्लावर की टेक्निक बताई थी ना, सेम है, बस थोड़ा सा पेज लंबा रखना है ताकि उससे ताकि ये फाउंटेन टाइप का लगे, और ताकि ये लगे कि हाँ प्लांट वाला है। तो मैंने क्ले से यहाँ पर वो दे दिए, क्लाइंबर्स टाइप के नहीं होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और पेड़ की मैंने कुछ पत्तियाँ बाहर भी निकाल दी ताकि थोड़ा तो वो लगे अलग सा। तो यही है पूरा, अभी मैं इसमें लाइट लगाऊंगी। मम्मी तो मुझे गाना गाना चाहूंगी तो मैं तो देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कद्दू के पराठे और खीर बना रही हूँ। अच्छा, तो क्या आप कहना चाहते हैं खीर आप नहीं बनाई है? खीर तो मीतू मौसी बनाई है, मैं तो सिर्फ सत्तू के पराठे बना रही हूँ। सच्चाई बाहर आ चुकी है। जानती हूँ कि योर मम्मी इज वेरी गुड एट कुकिंग, स्पेशली खीर आइटम। हाँ, जान गई, जैसे मम्मी ने मुझे बताया मैं तुरंत जान गई कि मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं। तो मम्मी लग रहा है कुछ गाना गाना चाहती हैं, तो मम्मी गाना गाओ फिर। राही मनवा दुखी चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुखी चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख एक छांव धूप आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे अपना ब्लॉग। मम्मी एंड करो। हाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड व्हाट एल्स, सब्सक्राइब इट। बाय।